एवरीवन, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली एंड कैपेसिटेंस ओनली, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं इंडिविजुअली। तीनों के लिए अलग अलग जो भी कंसेप्ट आए थे, जो भी उनमें फॉर्मूलाज आए थे और जो भी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी याद करने के लिए, वो सब आई होप आपको याद होंगी। और अगर नहीं है तो एक बार मैं उसको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ आपको। आपको बेसिकली एल, सी और आर में क्या करना है, अब आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं करने, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है, जैसा ओम्स लॉ का होता है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर फॉर ए रेजिस्टर, और वैसा ही सेम हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। इंडक्टर के लिए हमने आई नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सएल से। सो व्हाट इज एक्सएल, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, सेम यूनिट सेम डायमेंशन होती है। और ऐसे ही बी सी किसके इक्वल हो गया, आई नॉट एक्स सी, देखो फॉर्मूला सेम है, बस ये जो कंपोनेंट है ये चेंज होता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टर यहाँ आर आ गया, अकॉर्डिंग टू इंडक्टर यहाँ एक्स एल आ गया, और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर यहाँ एक्स सी आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एल जो होता है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है, और एक्स सी जो होता है वो अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो एक आपको ये बात ध्यान रखनी थी, और क्या ध्यान रखना था आपको इनके बीच का, ये डिफरेंस कि ईएमएफ किस में लीड करता है और करंट किस में लीड करता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो फैन है इसमें कैपेसिटर लगा होता है, और फैन तो स्विच ऑन करते ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इस ट्यूबलाइट में क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, और ये स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद ऑन होती है। तो क्या होता है, इसमें कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है, करंट पहले आ जाता है, ईएमएफ बाद में, इसीलिए जल्दी ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ लीड करता है और करंट बाद में, इसीलिए ट्यूबलाइट थोड़ा देर से ऑन होती है। तो वो आपको फेज डिफरेंस फेज डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको फेज डायग्राम को हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, बच्चों ध्यान से देखो, सीरीज में अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं एल सी आर सर्किट। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है बस, और छोटे छोटे से जो फॉर्मूलाज जो मैंने बता दिए, बस इससे ज़्यादा अभी के लिए यूज़ नहीं होगा, बाकी तो आपको पूरा पढ़ना ही है। एक तो इनके जो डिफरेंसेस है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग, और ये तीन फॉर्मूलाज ये अब इसमें यूज़ होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एल सी आर सर्किट, या फिर हम इसे सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, या फिर इसे हम ट्यूनिंग सर्किट भी बोलते हैं। तो सभी के अपने अपने नाम हैं, क्यों रखे गए हैं एक एक करके आपको मैं समझाती जाऊंगी। सबसे पहले एल सी आर सर्किट क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसमें एल भी है, सी भी है, आर भी है, तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं सीरीज वर्ड का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम एल सी आर सर्किट हमने बना लिया है इस तरीके से, इसको रेजोनेंस सर्किट क्यों बोलते हैं। तो L, C और R हमने एक दूसरे के सीरीज में लगा दिए, और अल्टरनेटिंग करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये AC है। सीरीज में आपको पता है बच्चों क्या होता है, करंट सब में क्या रहता है, सेम। तो हम अज्यूम कर लेते हैं सब में करंट की डायरेक्शन क्या है, यही है I नॉट, सेम डायरेक्शन में सभी में सेम वैल्यू करंट की क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब आपको इनकी करंट के साथ साथ ईएमएफ का भी जो है एक डायरेक्शन सी प्लॉट कर देनी है, आपको एक छोटा सा ग्राफ मिल जाएगा। तो इतना तक तो बेसिक था, ये समझ में आ गया होगा, सीरीज में है तो करंट सब में इक्वल सेम फ्लो हो रहा होगा सेम डायरेक्शन में। अब आपको उस कंसेप्ट का ध्यान देना जो मैंने अभी इससे पहले बताया कि ईएमएफ लीड करता है या करंट लीड करता है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो इंडक्टर के केस में आपको पता है ट्यूबलाइट के केस में ईएमएफ लीड कर रहा है, तो करंट की तो ये डायरेक्शन है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो आपको ईएमएफ, और वो भी कितने पर, कितने फेज डिफरेंस पर, 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर लीड करता है, तो ये डायरेक्शन आपकी किसकी हो जाएगी, ईएमएफ एल, या आप चाहो तो इसकी जगह बी एल भी पुट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल वापस हम उस स्टेटमेंट पे आ गए हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था, पोटेंशियल से ईएमएफ को भूल जाते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है ना बच्चों को, तो छोड़ दिया, बी एल लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही सी के लिए, सी के लिए अगर करंट की ये डायरेक्शन है, ये तो फिक्स है तीनों में,
तो पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी सी के लिए? आपको पता है इसमें ईएमएफ यानी वोल्टेज क्या चलेगा, थोड़ा सा पीछे चलेगा, थोड़ा सा मतलब 90 डिग्री। तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो गई, वी सी की। तो देखो बनते जा रहे हैं ना छोटे छोटे से ग्राफ, वो कहाँ से बन रहे हैं, उस प्रीवियस कंसेप्ट से बन रहे हैं जो अभी आपको बताया। और ये आर है और इसमें पोटेंशियल की सेम डायरेक्शन, क्योंकि इसमें कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट रिवाइज हो गए और मैंने ये छोटे छोटे तीन ग्राफ बना दिए, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हम इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करके एक बार अलग से बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ, अगर आप इसको अज्यूम कर लेते हो कि ये करंट की डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये बी आर की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन ऊपर वाली, ये बी आर की डायरेक्शन है ना बच्चों, तो इसके ऊपर वाली किसकी डायरेक्शन है, बी एल की, और इससे नीचे वाली किसकी डायरेक्शन है, बी सी की। तो मैंने कुछ न्यू नहीं किया है, मैंने इन तीनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से फेजर डायग्राम बन गया फॉर एल सी आर सर्किट। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। अब इस डायग्राम से हमें क्या करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस एल सी आर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या वैल्यू जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एसी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन उसके बाद जाके वोल्टेज किसी में आगे मतलब लीड कर रहा है, किसी में पीछे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वो करंट की वैल्यू क्या होगी, लेकिन तीनों में सेम फ्लो होगी, वो क्या होगी वो अभी हम डिराइव करेंगे। उससे पहले एक बार इस ग्राफ को देखो आप, अगर ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो मैंने जो बी एल प्लॉट किया है उसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी बी सी के कंपैरिजन में ज्यादा पुट की है। ध्यान से देखो आप लोगों इसको, ये जो लेंथ है बी सी की मैंने कम रखी है और बी एल की लेंथ मैंने ज्यादा पुट की है। तो ये इंटेंशनली किया है, ऐसा नहीं कि मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ये लेंथ छोटी कर दी है, ये इंटेंशनली हुआ है। बी एल की वैल्यू बी सी की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये लेंथ कम ज्यादा बनाने का मतलब ही यही है, ताकि आप लोगों को याद रह सके कि बी एल की वैल्यू बी सी की वैल्यू से ज्यादा है। तो ये हमारे लिए ये आइडियल कंडीशन है, तो हम लोग स्टार्टिंग से यही अज्यूम करके चलेंगे। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्हें क्या था, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये हमारी आइडियल कंडीशन होगी या इसी की वजह से हम आगे जितने भी सर्किट हैं वो बना पाएंगे। तो उन्होंने तो स्टार्टिंग में दोनों को इक्वल अज्यूम करके चला, ठीक है, लेकिन बाद में जाके उन्हें आंसर नहीं मतलब उनका सही से आ पाया। तो आपको पता है कई बार हमारा आंसर नहीं आ रहा होता तो हम स्पेशल केस ले लेते हैं ना, कि ये इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, या ये छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो सेम ये कंडीशन हम लास्ट में जाके करते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, आप ये शुरू से ही कर दो। तो हम बी एल को बढ़ा लेंगे बी सी से और आप इसको लास्ट में जाके कंप्लीट होने तक, तो अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, टॉपिक कंप्लीट होने तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा इन्होंने बढ़ा इसको क्यों लिया है, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए आपको वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी और कैपेसिटर के लिए आपको वोल्टेज की वैल्यू कम देनी पड़ती है फॉर आइडियल कंडीशन। अगर इक्वल आप दे दोगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, उसमें आपको बाद में जाके फिर कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी एल की लेंथ ज़्यादा बी सी की कम ले ली और ऐसे लिया है कि यहाँ पर और ये आपकी जो कंपोनेंट है और ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, बी आर की, ये बी एल की, ये बी सी की, और कुछ इस तरीके से हमने इस बी सी की वैल्यू लिया है कि अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालने लगे तो ये जो फालतू डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। दैट मीन्स बी बी डैश किसके इक्वल हो जाए, ओ सी। ये चीज भी मैं यही रख देती हूँ, लिख देती हूँ बी एल ग्रेटर देन होगा बी सी के। तो मैं बता रही हूँ ना, ये सब हमें नहीं ध्यान रखना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये इसके इक्वल है। ये सारी कैलकुलेशन साइंटिस्ट पहले कर चुके हैं, वो कहते हैं ये वैल्यू जो भी इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए। सपोज आपने सी की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू पुट की 3, तो यहाँ भी 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें कोई भी और वैल्यू ऐड कर सकते हो। मीन्स आप एल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सपोज करो 7 पुट करोगे, इसकी 3 है तो 7-3 कितना हो गया, सिर्फ 4 वैल्यू इसको मिलेगी, 4 वैल्यू ही इस सर्किट में क्या होगी, सप्लाई हो पाएगी बी एल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू होगी ओ बी बच्चों, वो किसकी हो जाएगी, बी एल माइनस
इक्वल देखो, OB डैश किसके इक्वल है? BL, ये पूरी लाइन OB डैश किसके इक्वल है? BL, और OB किसके इक्वल है? ये पहले तो BB डैश, सॉरी किसके इक्वल है? OC, BB डैश इज इक्वल टू OC, और ये किसके इक्वल है? BC। अगर आपको OB फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? OB डैश पूरा कितना हो गया? BL, BB डैश कितना है? BC। तो आप OB फाइंड आउट करने के लिए OB डैश में से BB डैश को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? OB, समझ गए आप लोग? तो ये OB की वैल्यू आ गई। कुछ इस तरीके से लेनी है हमें, ये हमारे मजबूरी कह लो या जो भी है, आइडियल कंडीशन के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इसको आप PR कंसीडर करोगे, इसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे। यहाँ VL माइनस VC आना चाहिए। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आइडियल कंडीशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाद में जाके करेंगे, इससे अच्छा हम शुरू में कर रहे हैं। ऐसा समझ लो स्पेशल केस लग गया शुरू में। ओके, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई VL माइनस VC, इसी के पैरेलल ये भी क्या हो गई? VL माइनस VC। ये वैल्यू आपकी कौन से के लिए है? VR के लिए डायरेक्शन शो कर रही है। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा ये फेजर डायग्राम है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA होल स्क्वायर प्लस AP होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में पुट किया हमने, सिंपल, कुछ न्यू नहीं है इसमें। OP जो है ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम है बट वोल्टेज तो चेंज हो रही है, और वोल्टेज किसी में लीड कर रही है, किसी में पीछे चल रही है, ठीक है? तो फिर वोल्टेज कितनी हो जाएगी? बी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? बी आर, क्योंकि OA की वैल्यू है, बी आर होल स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, और एपी किसके इक्वल है? बीएल माइनस बीसी। स्टेप बाय स्टेप एक चीज को ध्यान से समझते जाना है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और ये हम आइडियल कंडीशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद बी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, बी आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी बच्चों, आई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस BL की जगह I नॉट XL, और BC की जगह I नॉट XC होल स्क्वायर है, पूरी टर्म है, ठीक है? अब इन दोनों में से I नॉट स्क्वायर कॉमन, I नॉट स्क्वायर स्क्वायर से बाहर आएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो ये वैल्यू आपके पास V नॉट की आ जाएगी, ठीक है? ये वैल्यू V नॉट की आ गई, तो करंट किसके इक्वल आ गया? V नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद आपको पता है, स्टार्टिंग होगी, कैलकुलेशन करते जाना है उसके बाद, ठीक है? अब उसके बाद वो कह रहा है, अगर ये एक करंट है, ये एक पोटेंशियल है, तो ये पूरा एक तरीके का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ अपोजिशन होगी, तो उसको यहाँ पर किससे डिनोट कर दिया? Z से। और इस Z का क्या नाम है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं हम इसे? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, जो भी रेजिस्टेंसेस हैं, ये सारे ही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, मीन्स अपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, उन सब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सर्किट पे, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस पूरे को एक ही से डिनोट कर दिया, किस नाम से? जेड। एंड व्हाट इज जेड? इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, या फिर आप बोल सकते हो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। तो वैसा ही ओम्स लॉ जैसा फॉर्मूला नहीं है, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, बस आर की जगह अब चेंज होता जा रहा है, कभी एक्सएल आ रहा था, कभी एक्ससी, अब उनका कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है? ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके बाद हमें इसमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, कि ये जो हमने रिजल्टेंट माना, ठीक है, ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया था ना कि ये हमारा रिजल्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम हमने अपने हिसाब से लगा ली कि ये हमारा रिजल्टेंट है, कितने एंगल पर? फाइव एंगल पर। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, आप इसमें पैरेललोग्राम रो फैक्टर एडिशन भी लगा सकते हो, कि ये आपके पास एक डायरेक्शन है VR की, ये एक डायरेक्शन है VL माइनस VC की, तो इसके पैरेलल ये भी VL माइनस VC, इसके पैरेलल ये V।
VR ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, उसका रिजल्ट है। तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन से भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, बट मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन नहीं बोला क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्यों लगा। तो उससे जो फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस, तो वो जरूरी थोड़ी है कि हर बार वेक्टर के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन से ही तो पाइथागोरस थ्योरम बनती है। बस हम एंगल क्या पुट कर देते हैं, इनके बीच का 90 डिग्री पुट कर देते हैं, तो कोस वाली टर्म क्या हो जाती है 90, कोस 90 जीरो, तो आर इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा जो होता है आगे, वो वाला पूरा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्योंकि थीटा क्या हो गया 90। तो ये पैरेललोग्राम से ही तो पाइथागोरस थ्योरम बनती है, तो कोई नई बात नहीं है या कोई अजीब बात नहीं है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन भी लगा सकते हो, और जब आप लगाओगे तो आपको रिजल्टेंट एक एंगल पर मिलेगा, और वो एंगल से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन। ऐसा आपने 11th क्लास में भी किया है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेंजेंट का। तो टेंजेंट फाइंड, टेंजेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस एपी अपॉन ओए। अब एपी किसके इक्वल है, वीएल माइनस वीसी। ओए किसके इक्वल है, VR, VL VL की जगह I नॉट XL, BC की जगह I नॉट XC अपॉन I नॉट R, I नॉट कॉमन। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई टेंजेंट phi की, दैट मींस XL माइनस XC अपॉन R। एक बार को आपके लिए ये LCR सर्किट टॉपिक हाफ बोल सकते हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कुछ करेंगे स्पेशल केसेस और कुछ छोटी छोटी हम टर्म्स और ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो पॉज करके एक बार शुरू से फिर देख लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब इसके बाद हम स्पेशल केसेस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट केस अपना है इफ XL इज इक्वल टू XC, मीन्स अगर हम इन दोनों का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर देते हैं तो देखो क्या होगा। मेन फॉर्मूला आपके पास करंट का ही है ना, इस फॉर्मूला में क्या होगा अगर आप XL और XC को इक्वल पुट कर देते हो, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस कैंसिल जीरो, सिर्फ नीचे क्या बचेगा R, यानी रेजिस्टेंस, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था आपका ये कम से कम हो गया, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा बच्चों उतना ही करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। आप देख रहे हो ना ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी तक क्या था, आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, XL माइनस XC, मान लो XL है 10, XC है 4, 10 माइनस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसको इक्वल पुट कर दिया तो कुछ ऐड नहीं हुआ, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, और ये जितना डिक्रीज होगा उतना करंट क्या होगा इंक्रीज होगा। ये बात समझ गए आप लोग। तो अगर हम XL और XC को इक्वल पुट कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं, तब हम बोलेंगे क्या यहाँ पर करंट हो गया मैक्सिमम, और इसी कंडीशन को बच्चों क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कंडीशन। यहां लिख देती हूं मैं रेजोनेंट कंडीशन, या रेजोनेंस भी बोल सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो इस कंडीशन पे हमारा जो सर्किट होगा वो रेजोनेंट हो जाएगा, रेजोनेंट शो करेगा। रेजोनेंट वर्ड क्या होता है यार, ने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं अभी रिवाइज करवाऊंगी, एक बार इसको ध्यान से सुन लो। तो इतना बात समझ में आ गई, अगर XL और XC इक्वल है तो करंट मैक्सिमम। तो आपने 11th क्लास में ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में तीन टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पढ़ी थी, है ना, और तीन टाइप ऑफ ऑसिलेशन लास्ट में स्टडी की थी हमने। एक थी फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंट ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता था कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब बिना कोई फोर्स लगाए अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थी आपकी फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में क्या था, वो फोर्स लगाने के बाद किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और लास्ट थी आपकी रेजोनेंट ऑसिलेशन। अगर आपको याद आ गया हो तो रेजोनेंट ऑसिलेशन में क्या होता था, फोर्स लगा
लगाने के बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट नहीं करेगा बल्कि किसी और फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, ओसिलेट। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस सर्किट को या उस ओसिलेशन को हम क्या बोल देंगे, रेजोनेंट ओसिलेशंस। और ये जो फिनोमिना है इसको हम रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, रेजोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा सर्किट रेजोनेंट हो जाएगा, यानी कि ये एक तरह की ओसिलेशंस देने लग जाएगा। और जब ये ओसिलेशंस देगा तो आपने ईएमएफ चैप्टर इससे पहले ही कर चुके हो तो आपके लिए एक बेनिफिट हो गया, आप समझ जाओगे ये बात जो मैं बताने जा रही हूँ। आपने ईएमएफ की जो टाइप पढ़ी थी, मैंने बताया था रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओसिलेशंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी। एल मीन्स इंडक्टर एंड सी मीन्स कैपेसिटर। तो ये कुछ वैसा ही सर्किट नहीं है जिसमें एल है सी है, बस एक आर भी एक्स्ट्रा है। तो ये जो सर्किट होते हैं इनमें हमें एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ओसिलेशंस होना स्टार्ट हो जाती है, और उन ओसिलेशन से बच्चों वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं बाद में। इसीलिए ईएम वेव्स में आप पढ़ते हो, बट आप उल्टा चल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बात वही, आप इससे ईएम वेव समझो या ईएम वेव से ये समझो, समझ में आना है, ठीक है। तो करंट अगर मैक्सिमम तो क्या होगा, रेजोनेंट कंडीशन आ जाएगी, रेजोनेंस आ जाएगा, यानी ओसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, और उसके बाद जो भी आप कराना चाहते हो, आप सिग्नल भेजना चाहते हो, रेडियो वेव जो भी भेजना चाहते हो वो हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो स्टेप बाय स्टेप आप अब नाम तक भी समझ गए हो कि इसलिए रेजोनेंट क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कंसेप्ट हमारा क्लियर, अब हम फाइंड आउट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी जिस पे कि ये ओसिलेशन शो करता है। वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल बच्चों किसके इक्वल है, ओमेगा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक्स सी किसके इक्वल है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन एल सी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। और आप चाहो ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हो, 2 बाय न्यू, और न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाय रूट एल सी। ये जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे हम सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कि इतनी फ्रीक्वेंसी से ये जो सर्किट है ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, ठीक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से क्या आ गया आपके पास, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाई रूट एल सी। लेकिन इसके बाद ये जो लास्ट इसका नाम समझ रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक ग्राफ समझना पड़ेगा। ये ग्राफ आपको यहाँ पर मैंने लास्ट में बना रखा है, ये ग्राफ किसके बीच का है, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का। वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपने सेट कर रखा है सर्किट, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी से ये ओसिलेट होना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये ओसिलेट हो सकता है, मीन्स वेव्स प्रोड्यूस करवा सकता है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये कैच भी कर सकता है। मीन्स ये जो सर्किट है ये ट्रांसमीटर की तरह भी काम कर सकता है और रिसीवर की तरह भी काम कर सकता है। मीन्स ये सिग्नल को भेज भी सकता है, वेव्स प्रोड्यूस करवा के भेज भी सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, उससे फिर मैं ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगी। सॉरी, क्या है कि अगर एक रेडियो रिसीवर है तो उस पर आपको ये तीन रेजिस्टेंस के लिए, मतलब अलग अलग तीन रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या है, वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए आपको मतलब इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी वही है। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है, और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए ऐसा, ये आप देख रहे हो आर वन बड़ा है, आर टू उससे छोटा है, और आर थ्री सबसे कम रेजिस्टेंस है। जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना करंट क्या होगा, मैक्सिमम, ये बात तो आपको पता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है शार्प, करंट क्या हो रहा है, एक बार फटाफट इंक्रीज होता है और फिर एकदम से क्या होता है, डिक्रीज। तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट एकदम से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करते जाओ तो और ज्यादा ज्यादा उसकी जो पीक है वो शार्प होती जा रही है। देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ कितना ऐसे
मतलब फ्लैट टाइप ग्राफ मिल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा सिग्नल है कौन सा नहीं है। आर टू के लिए थोड़ा और क्लियर हो गया, शार्प हो गया, और आर थ्री के लिए बहुत ज़्यादा शार्प ये हमें शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है। तो अब क्या क्वेश्चन था हमारा कि रेडियो रिसीवर है, उसमें आपको ये ग्राफ गिवन है करंट और फ्रीक्वेंसी का फॉर थ्री डिफरेंट रेजिस्टर्स, जिसमें कि आर वन बड़ा है आर टू से और आर टू बड़ा है आर थ्री से। तो इसमें हम कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे फॉर रिसीवर, कि रेडियो रिसीवर में कौन सा इन तीनों में से रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। तो आर वन वाला या आर टू वाला या आर थ्री वाला, मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम कौन से वाला यूज करेंगे, आर थ्री वाला, जिसकी वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए वो क्या कर रहा है सबसे शार्प पीक आपको क्या कर रहा है शो कर रहा है। तो मींस इतने फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये देख रहे हो ना, ये फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहा है, तो इसके बीच में क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी तो आ रही है, इतनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये आराम से क्या कर लेगा रिसीव कर लेगा, अगर भेज सकता है तो फिर वो रिसीव भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ बात समझ में आई होगी, करंट और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस करंट एकदम शार्प इंक्रीज होता है, और करंट अगर शार्प इंक्रीज होता है तो मीन्स वो उस सिग्नल को कैच कर सकता है, इसको हम रेडियो रिसीवर में यूज करते हैं। और इसको मैं एक और एग्जांपल से बताती हूँ, आप टीवी ऑन करते हैं, आपके पास रिमोट है और रिमोट पे काफ़ी सारे जो हैं कीज हैं, ठीक है, चैनल चेंज करने के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज या चैनल को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए। तो क्या होता है जब वो आप की प्रेस करते हो, तो जैसे ही आपने वो की प्रेस की तो अकॉर्डिंग टू उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए, एक छोटा सा जो मदरबोर्ड होगा रिमोट का, उसके अकॉर्डिंग आप सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट कर देते हो, तो वो रेजिस्टेंस उसमें सप्लाई हो जाता है और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो करंट को एकदम से शार्प क्या करता है इंक्रीज, और एक तरह की वेव भेजता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करवाता है, टीवी को भेजता है और टीवी को वो सिग्नल मिल जाता है, और फिर वो उसके टीवी को या वो सेटअप बॉक्स की बात कर लें और उसके अकॉर्डिंग वो चैनल चेंज करना हो तो चैनल भी जैसे ही आपने कमांड दिया वो उसमें चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के सर्किट हम बनाते हैं और इस तरीके के काम आते हैं हम लोगों को वो। तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। रेजोनेंट कंडीशन इसे हम बोलते हैं, जिसमें हम एक्सएल और एक्सी को इक्वल रखते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी या तो वो प्रोड्यूस करा सकता है या इतनी फ्रीक्वेंसी वो कैच भी कर सकता है, दोनों। मैंने आपको प्रोड्यूस कराने वाला भी बता दिया, टीवी में हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, और कैच करने वाला भी बता दिया कि इतनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो कैच कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कैच, तो देखो तीनों को कर सकता है, आर वन को भी, आर टू को भी, आर थ्री को भी, लेकिन कई बार पूछते हैं कि बेस्ट सूटेड कौन सा इन तीनों में से बढ़िया रहेगा। भाई अगर आपको कंपैरिजन, अब आपको कोई सीधा आगे लड्डू दे दे, खा लोगे चुप करके, अब कोई पूछे लड्डू खाओगे कि रसगुल्ला खाओगे कि चॉकलेट खाओगे, तो तुम क्या कहोगे, भाई मैं चॉकलेट खाऊंगा या जो तुम्हें पसंद है, भाई मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। तो अगर आपके पास तीन चॉइस है, कैच तो वो तीनों को करेगा क्योंकि सारे उसकी फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन अगर वो पूछ रहे कि आर वन सही रहेगा कि आर टू सही रहेगा कि आर थ्री, फिर आपको बताना है, ठीक है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो कैच भी कर सकता है, यानी रिसीव भी कर सकता है और भेज भी सकता है, दैट मीन्स ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पेशल केस जब एक्सएल और एक्सी इक्वल है। अब हमने अज्यूम कर लिया एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्सी से, तो अब क्या होगा, ये आपका मेन फॉर्मूला था करंट का, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो, चाहे कुछ भी करो, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा, मींस रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, और अगर वो डिक्रीज नहीं होगा तो करंट इतना मैक्सिमम नहीं होगा। तो अगर एक्सएल को आप बड़ा ले लेते हो एक्सी से, तो आपके पास करंट मैक्सिमम नहीं होगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। तो इस तरीके के सर्किट को हम क्या कह देते हैं, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, क्या बोलते हैं इसको, इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है एक्सएल की, तो ये इंडक्टिव जो है, इंडक्टर जो है इसमें डोमिनेट कर रहा है, ये इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट हो गया। एंड इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो समझ गए आप लोग ये क्या होगा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। और एक चीज रहेगी इस ग्राफ में, इसमें फॉर ए पर्टिकुलर
रेजिस्टेंस करंट इंक्रीजेस मोर शार्प. एक किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए करंट जो है ज्यादा शार्प हो जाता है उसे हम उसकी बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. क्या बोलते हैं बच्चों? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की इतनी इसकी शार्प है रेजोनेंस. ओके और एक सेकेंड लास्ट एक चीज और रहती है, ये है इंपीडेंस ट्रायंगल. इंपीडेंस ट्रायंगल क्या है? कोई नई बात नहीं है, बस रेजिस्टेंस ये जो ट्रायंगल है ये बना रखी है. बस ये ट्रायंगल में पहले आप इसको V की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आप इसे Z की टर्म में रिप्रेजेंट और रेजिस्टेंस की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो VR की जगह आपने R ले लिया, VL माइनस VC की जगह XL माइनस XC ले लिया और V नॉट की जगह आपने Z ले लिया. तो इस ट्रायंगल को हम इंपीडेंस ट्रायंगल कहेंगे और इससे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो Z किसके इक्वल आएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया. अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, फटाफट कर लेते हैं, दैट इज क्वालिटी फैक्टर. अब ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? अभी आपने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी के लिए करंट एकदम इंक्रीज तो होता है लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करते जाओ तो और ज्यादा वो शार्प होता जाता है. ठीक है, और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से वो सिग्नल या जल्दी से वो सिग्नल कैच कर सकता है. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. ये आपका ग्राफ आया, ठीक है, तो ये ग्राफ इतना शार्प नहीं है. सपोज करो आप जी टीवी देख रहे हो और आपको स्टार प्लस लगाना है, तो स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी है सपोज 410, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के लिए 410 सारे कैच कर सकते हैं, 410 आ सकता है, लेकिन 410 के साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को क्या कर सकता है? कैच. तो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है उस सिग्नल को कैच ना करे या कोई और बीच में आ जाए या नॉइस आ जाए, जैसे आप रेडियो में करते हो 92.3 रेड FM आपको चलाना है लेकिन 93 वाला कोई बीच में आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है? नॉइस वाले भी बीच में आ सकते हैं क्योंकि इतना आपका शार्प नहीं है, उसको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए स्पेसिफिकली. इसीलिए आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ऐसा ही कुछ होता है कि अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है इसकी कि अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी हमें वो सिग्नल मिल जाए तो एक फैक्टर का हमें ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर. इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. ये इक्वल होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के और बैंड विड्थ के. व्हाट इज 2 डेल ओमेगा? इट इज बैंड विड्थ एंड इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ये ठीक है, बैंड विड्थ क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है, दो आप EMFs में भी किया है, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है. हम ये नहीं कहते कि हमें ये फ्रीक्वेंसी मिली है, हम कहते हैं इतनी रेंज में ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी ये वेव प्रोड्यूस हो सकती है इतनी रेंज में या ये सिग्नल प्रोड्यूस हो सकता है. तो एक रेंज मिलती है हमें फ्रीक्वेंसी की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम काम नहीं कर पाएंगे और होगा भी नहीं. तो क्या होता है, एक रेंज मिलती है, एक विड्थ मिलती है आपको जिसे कि हम बैंड विड्थ कहते हैं. उसके लिए एक बार इस ग्राफ को थोड़ा और सुंदर सा देखो. ये मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर. लेकिन ये कितनों को कैच कर रहा है? इसके आसपास को भी थोड़ी वैल्यूज है उनको कैच कर रहा है, जिसे आप बोल सकते हो ओमेगा आर प्लस टेन ओमेगा, ओमेगा आर सॉरी यहाँ माइनस आएगा और यहाँ ओमेगा आर प्लस टेन ओमेगा. मीन्स ओमेगा आर से कुछ वैल्यू कम, मीन्स अगर आपको 410 वाली फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल कैच कराना है तो आपको एक रेंज रखनी पड़ेगी. आप पर्टिकुलर 410 वैल्यू नहीं रख सकते हो, आप उससे 20 कुछ कम रखोगे या 20 ज़्यादा. अगर 30 कम रख रहे हो तो 30 ज़्यादा. एक आपको विड्थ देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है क्योंकि कई बार सिग्नल वीक हो जाता है. अगर आपने सिर्फ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रख रखी है कि 410 आए तो ही कैच करियो और नहीं तो मत करियो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल. तो एक रेंज रखेंगे, एक विड्थ रखेंगे जिसे कि हम क्या कहेंगे? बैंड विड्थ. तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूले हो रहे हैं छोटे छोटे से, इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस. ये तीन फॉर्मूले हैं और तीनों ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं. आपको पता है XL किसके इक्वल है? ओमेगा L. और ओमेगा किसके इक्वल है? 1/√LC. और बाहर क्या रह गया बच्चों? सिर्फ L/R. अब ये L अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L square. देखो जितना मेरे पास स्पेस है मैं
समझा पा रही हूँ? नहीं हो तो एक बार रिपीट देख लेना और आराम से देख लेना. वन अपॉन आर इज इक्वल टू रूट एल अपॉन सी. ये आपके पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया. और अगर इससे भी डिराइव करोगे ना, सेम यही फॉर्मूला आएगा. एक्स सी की जगह हो जाएगा ओमेगा सी, ओमेगा की जगह वन बाय रूट एल सी, फिर सी अंदर जाएगा, सी स्क्वेयर होगा, एक सी से एक सी कैंसिल. मतलब फाइनली आपके पास यही फॉर्मूला आएगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू रूट एल अपॉन सी. और इसकी जो है कोई भी बच्चों यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि देख रहे हो आप सेम वैल्यू से सेम वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड. फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस से रेजिस्टेंस, दोनों की सेम यूनिट होती है. तो इट विल हैव नो यूनिट नो डायमेंशन. तो ये आपका एक ही टॉपिक था एलसीआर सर्किट, मैंने कुछ इसमें अलग नहीं करा है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये 5 मार्क्स में आपका आता होता है. वैसे मैंने ये बात लास्ट में बताई है, शुरू में बतानी थी, थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे.